एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर का एक टॉपिक है मूविंग कॉयल गैल्वानोमीटर एमसीजी मूविंग कॉयल गैल्वानोमीटर। अब बेसिकली मूविंग कॉयल गैल्वानोमीटर क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। किसी भी सर्किट में करंट जा रही है नहीं जा रही है, उस चीज़ को हम इसको यूज करके चेक करते हैं, डिटेक्शन करते हैं कि वेदर द करंट इज फ्लोइंग और नॉट। सो यहाँ पे इसके हम लोग सिलेबस में जो है इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है, सिंपल सा और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो मूविंग कॉयल गैल्वानोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ स्मॉल करेंट। बहुत स्मॉल करेंट होती है तो उसको डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। तो इसका सिंपली जो वर्किंग प्रिंसिपल है, इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। तो इसके पहले हम लोग ने पढ़ चुके हैं कि करंट कैरिंग आपकी कॉयल, जैसे कोई कॉयल है करंट कैरिंग, इसमें करंट फ्लो कर रही है, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। सपोज आपका एन पोल है, ये एस पोल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे हैं। अब इसमें जब हम करंट फ्लो कराएंगे तो ये क्या करेगा, सिंपल सा इस पर एक टॉर्क क्रिएट करेगा। मान लिया ये अपवर्ड फोर्स लगा, इधर डाउनवर्ड फोर्स लगा, ये हमारी कॉयल रोटेट करने लगी। तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है जो कि हम लोग इसको बेसिकली पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल याद रखना है एग्जाम में, तो इतना आपको लिखना है, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस और टॉर्क एंड दैट विल बी रोटेटिंग। ओके, नाउ इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। कंस्ट्रक्शन इसका बहुत सिंपल है, भी डायग्राम में बात करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉयल मेड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। रेक्टेंगुलर कॉयल होती है जिसपे लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फाइन इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑन अ सिलेंड्रिकल सॉफ्ट कोर आयरन कोर। सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर इस तरह का होता है, ये सॉफ्ट आयरन कोर का बना हुआ होता है। तो इस पर क्या होता है, कॉपर वायर की बाइंडिंग होती है, फाइन कॉपर वायर्स की, जो विच आर क्लोजली विंड, बहुत पास पास इनकी बाइंडिंग हो रखी होती है। नाउ द कॉयल इज सस्पेंडेड बिटवीन द सिलेंड्रिकल पोल्स पीसेस ऑफ अ परमानेंट हॉर्स शू मैग्नेट। मीन्स इस कॉयल को क्या करते हैं, इस तरह का, इस शेप का हॉर्स शू बोलते हैं इसको, जैसा कि हॉर्स के पैर में जो लगाया जाता है, आपने पढ़ा हो या आपको पता होगी, इस शेप में होता है जो घोड़े के पैर में लगाया जाता है, लेग में नीचे, तो उसे हॉर्स शू शेप बोलते हैं। इस तरह का मैग्नेट लगा के, परमानेंट मैग्नेट होता है इसका, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ पे कॉयल रख देते हैं हम लोग, इनके बीच में प्लेस कर देते हैं सिलेंड्रिकल कॉयल को जो आयरन कोर पे उंड है। ओके, दिस फील्ड रेडियल ऑफ द कॉयल पासिंग थ्रू द प्लेन ऑफ कॉयल। अब यहाँ पे जो हमने ये यहाँ पे कॉयल लिया, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल ये लिया है, इस पर तो इसमें क्या होता है, ये इस तरह से रेडियली आयरन कोर यहाँ पे लगाने का एक ही पर्पज़ है कि वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से जाती है, तो इसको हमें एक पिन पॉइंट करना है, एक जहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है। हम चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन आयरन कोर के आसपास मैक्सिमम रहे, इस साइड यहाँ पे हमें कोई काम नहीं, तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो। मीन्स ये आयरन कोर है, अगर ये आयरन कोर है, हम चाहते हैं यहीं पे बाइंडिंग है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो, मैक्सिमम हो, तो इनको सारी फील्ड लाइंस को क्या करेगा, आयरन कोर ये अट्रैक्ट करेगा इस तरह से रेडियली इनवर्ड। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, आयरन कोर हम क्यों यूज करते हैं, कि हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे आयरन कॉयल जहाँ है वहाँ पे मैक्सिमम हो, फिर ये इस तरह से रेडियली आउटवर्ड जाएगी साउथ पोल पे। ठीक है, ओनली इज द फंक्शन ऑफ आयरन कोर। आयरन कोर का केवल और केवल यही फंक्शन होता है, दूसरा कोई लगाने का पर्पज नहीं होता, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर द फील्ड इज रेडियली टू द कॉयल पासिंग थ्रू द प्लेन ऑफ कॉयल एंड इट्स गेट्स
इंक्रीज ड्यू टू द सॉफ्ट आयरन कोर, वही सॉफ्ट आयरन कोर की वजह से बढ़ जाता है. व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, नाउ द टॉर्क एक्सपीरियंसिंग बाय द कॉइल, कॉइल कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ये चीज हम लोग ने पढ़ चुके हैं. टॉर्क इक्वल टू एन आई ए बी साइन अल्फा या थीटा, जो भी आप ले रहे हैं एंगल. ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, और एन नंबर ऑफ टर्न्स है, और आई क्या है, करंट, ए इज द एरिया ऑफ द कॉयल, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, अल्फा इज द एंगल बिटवीन द आपका ये जो कॉयल है प्लेन एरिया और उसके मैग्नेटिक फील्ड के बीच की एंगल है. ठीक है, ओके. नाउ अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन फीचर देख लेते हैं कि ये आपका इस तरह से कॉयल है. ठीक है, ये हमारा परमानेंट हॉर्सशू मैग्नेट शेप में है ये इस तरह का. ठीक है, अब इस पे ये कॉयल की बाइंडिंग हो रखी है. अब एक क्या करते हैं, हम एक पॉइंटर लगाते हैं यहाँ पे, एक स्केल लगा देते हैं. ये हमारा मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर हो गया, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर. ये इस पर एक पॉइंटर लगा देंगे जो कि इससे कॉयल से अटैच है. जब हमारा कॉयल रोटेट करेगा पॉइंटर भी हमारा कॉयल, सपोज क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है तो पॉइंटर हमारा क्लॉक वाइज जाएगा, अगर कॉयल एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करें पॉइंटर एंटी क्लॉक वाइज मूव कर जाएगा. ठीक है, तो ये स्प्रिंग को, इस पॉइंटर को हम क्या करते हैं, इस तरह से स्प्रिंग से अटैच कर देते हैं, जो स्प्रिंग से अटैच रहता है, जिससे कि वो उसको क्या करे, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करे. जैसे आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर देते हैं तो उसको फोर्स छोड़ते ही स्प्रिंग क्या हो जाती है, फिर एक्सपैंड हो जाती है ऊपर नीचे, तो वो रिस्टोरिंग टॉर्क स्प्रिंग के में होती है. ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हमें समझना है कि अल्फा 90 डिग्री है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और इसका जो कॉयल का प्लेन, जो कॉयल का एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर अगर हम ले लें तो एरिया वेक्टर क्या है, देख एरिया वेक्टर इसके अपवर्ड होगा तो कॉयल फील्ड के क्या है 90 डिग्री, तो यहाँ अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री होगी. अब ये जो टॉर्क है इसी की वजह से द स्प्रिंग प्रोवाइड्स अ काउंटर टॉर्क विच इज़ प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन दैट इज़ फाई एंड बैलेंसिंग द मैग्नेटिक टॉर्क. अब ये जो स्प्रिंग हमने यहाँ पे लगाया है, ये देखिए इस तरह से ये स्प्रिंग लगाई है, ये क्या करेगा, एक रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगी, जो इसकी वजह से हमारा पॉइंटर क्या हो जाएगा, अपने इनिशियल पोजिशन पर आ जाएगा. और रिस्टोरिंग टॉर्क ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फाई के. फाई क्या है, डिफ्लेक्शन, जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतने रिस्टोरिंग टॉर्क ज़्यादा लगेगा. ठीक है, इसलिए यहाँ पे फाई दिखाया हुआ. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम हटा दें प्रोपोर्शनल साइन हटा दें तो यहाँ पे के फाई, वेयर के इज़ द कांस्टेंट, इज कॉल्ड रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन. तो यहाँ पे के इक्वल टू हम लिख सकते हैं टाउ बाई फाई. तो क्या होता है, ये एक स्प्रिंग कॉन्स्टेंट होता है जो कि टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन होता है, टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन. ठीक है, एट इक्विलिब्रियम की बात करें, अगर इक्विलिब्रियम पे हमारा स्प्रिंग हमारा ये आ गया, इक्विलिब्रियम पे दोनों टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क जो है और रिस्टोरिंग टॉर्क है, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए, रिस्टोरिंग टॉर्क एंड मैग्नेटिक टॉर्क. सो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एन आई ए बी इक्वल टू के फाई, और फाई इक्वल टू एन ए बी अपान के, एन ए बी अपान के कॉन्स्टेंट इंटू आई, ये हमारा फाई के डिफ्लेक्शन हो गया. अब यहाँ पे देख सकते हो डिफ्लेक्शन क्या है, इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स हम फिक्स कर देंगे, एरिया ऑफ कॉयल, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स कर देंगे, के हमारा कॉन्स्टेंट है, तो ये फाई जो डिफ्लेक्शन है इक्वल टू ये आई. अब हम क्या बोल सकते हैं, जो डिफ्लेक्शन है करंट फ्लो के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, द फ्लो ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ करंट, क्योंकि ये टर्म हमारा कॉन्स्टेंट हो गया तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो आई इक्वल टू सॉरी फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई एस एन इंटू आई. तो यहाँ पे आई एस क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, इसी कॉन्स्टेंट को करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी मीन्स आई एस इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू फाई अपान आई, दैट इज एन ए बी अपान के. ये चीज़ यहाँ पे फाई अपान आई कर लो तो ये आ जाएगा इधर. ठीक है,
तो ये चीज़ यहाँ पे इसी को हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, राइट। द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट या पर यूनिट एम्पियर को हम क्या बोलेंगे, करंट सेंसिटिविटी। आई एस इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट करंट फ्लोस थ्रू इट। तो आई एस करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, डिफ्लेक्शन होता है कब, व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू इज वन एम्पियर। वन एम्पियर का करंट अगर फ्लो कर रही है तो वन एम्पियर का करंट फ्लो कर रही है तो उसमें जो भी डिफ्लेक्शन होगा वो उसका क्या हो जाएगा, करंट सेंसिटिविटी हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी यूनिट का ध्यान रखना, करंट सेंसिटिविटी के यूनिट का आई एस क्या होता है, रेडियन पर एम्पियर, रेडियन पर एम्पियर इसका, या डिवीजन पर एम्पियर, डिवीजन पर एम्पियर, ये होता है यूनिट किसका, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी की। अब इसमें एक और टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल वाइवा में पूछा जाता है, फिगर ऑफ मेरिट, जो कि हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे लैब में, फिगर ऑफ मेरिट। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जो है, द करंट फ्लोइंग पर यूनिट डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट को के डैश से डिनोट करेंगे या के से, आई इक्वल टू के हम यूज कर सकते हैं, के डैश पर यूनिट डिफ्लेक्शन जितना करंट फ्लो कर रही है उसी को हम फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं, राइट। तो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा यहाँ पे के अपॉन एन बी ए या एन ए बी, ये भी एक कॉन्स्टेंट होता है फिगर ऑफ मेरिट, करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन जो भी होगा उसी को हम फिगर ऑफ मेरिट बोलेंगे। नाउ द थर्ड इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट टर्म यूज इन मूविंग कॉल गैल्वेनोमीटर, दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस टू टर्मिनल्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी वी एस क्या डिफाइन करते हैं, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, पर यूनिट वोल्टेज जो भी डिफ्लेक्शन होगा वो उसी को हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर मान लिया किसी में पर यूनिट डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, पर यूनिट वोल्टेज डिफ्लेक्शन ज़्यादा है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी उसकी ज़्यादा होगी, अगर पर यूनिट वोल्टेज सेंसिटिविटी कम है तो उसकी डिफ्लेक्शन भी कम होगा, ठीक है। इट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं वी एस इक्वल टू वोल्टेज सेंसिटिविटी फाई बाई आई, आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन वी आई आर लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे वी वी ये वी एंड वी इक्वल टू आई आर फाई बाई आई आर। अब फाई आई आर क्या, आई बाई फाई क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे फाई बाई आई वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगी, सॉरी करंट सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी में रिलेशन क्या होता है, फाई बाई आई इंटू वन बाई आर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं आई एस बाई आर, आई एस बाई आर, ठीक है। तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आ गया, करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाई द रेजिस्टेंस। करंट सेंसिटिविटी में अगर हम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। और वोल्टेज सेंसिटिविटी का और एक्सप्रेशन हम दूसरा लिख सकते हैं एन ए बी अपॉन के इंटू वन बाई आर और आई एस बाई आर, ये होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, राइट। तो इतना ही आपका इसमें है, आप इसको बोलते हैं मूविंग कॉयल एम सी, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। इसका आपको मेन चीज़ फर्स्ट जो हमने पढ़ा वर्क प्रिंसिपल, आपका इसमें वर्किंग प्रिंसिपल बोल सकते हैं आप, वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल सिंपल है, जब भी किसी भी करंट कैरिंग कॉयल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उस पर टॉर्क लगता है तो जिसकी वजह से वो रोटेट करती है, रिवॉल्व कर जाती है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हमने देखा, कंस्ट्रक्शन में एक हॉर्स शू लेते हैं, हॉर्स शू एन पोल एंड साउथ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इसको लिया, ये प्लेस कर दिया एक दूसरे के, यहाँ पे
एक आयरन कोर लिया, आयरन कोर के कॉयल को ट्रैप कर दिया, कॉयल को लपेट दिया। फिर अभी इस पर मैग्नेटिक फील्ड रेडियल करने के लिए आयरन कोर यूज किया था, रेडियल हो गई मैग्नेटिक फील्ड, जिसके फील्ड स्ट्रेंथ कॉयल पे बढ़ गई, जिससे हमें टॉर्क ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके। अब इसमें कॉयल से ही एक स्प्रिंग को जोड़ देते हैं, ये स्प्रिंग ऐसे इस पर जोड़ देंगे, स्प्रिंग में लगा देंगे पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर के पे एक स्केल लगा देते हैं। तो ये स्केल इस पर लगा दिए, जो कि डिफ्लेक्शन बताएगी कितने डिग्री हुआ, कितने करंट पे, ठीक है। तो ये हो गया इसका सिंपल सा कंस्ट्रक्शन। और अब इसमें एक दो तरह के टॉर्क लग रहे थे, एक आपका मैग्नेटिक टॉर्क एन ए बी साइन अल्फा एस साइन 90 डिग्री, तो टॉर्क मैक्सिमम एन ए बी साइन एन ए बी, यही सिंपल आया, एन सॉरी आई भी रहेगा, एन आई ए बी एन आई ए बी। और इस पर एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, जैसे कि स्प्रिंग वाले में हमने बढ़ा था, डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, वहाँ पे लीनियर डिफ्लेक्शन की बात हो रही थी, यहाँ भी स्प्रिंग लग रही है, बट स्प्रिंग की वजह से क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो हम यहाँ पे टॉर्क बोलेंगे, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ फोर्स लेते थे, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यहाँ पे टॉर्क को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो और इसको टाउ इक्वल टू के फाई, यहाँ पे के प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आ गया, इक्विलिब्रियम पे दोनों टॉर्क क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, एन आई ए बी साइन 90 इक्वल टू के फाई, यहाँ से आप फाई निकाल सकते, फाई इक्वल टू एन ए बी अपॉन के इंटू आई। तो ये आपका हो गया डिफ्लेक्शन, एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉयल, कॉयल कितना या मूविंग कॉयल करवाने में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा हो, उस चीज़ को इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक कॉन्स्टेंट हो जाता है, आई इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट एन ए बी अपॉन के, ये टर्म कांस्टेंट हो गया, तो इसको हम हटा के बोल सकते हैं आई सॉरी फाई, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में जितने ज़्यादा करंट करंट को हम इंक्रीज करेंगे, तो डिफ्लेक्शन दैट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन डिफ्लेक्शन, ये क्या करेगा आपका डिफ्लेक्शन इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो अब इसी को रेशियो को अगर निकालते हैं, फाई इक्वल टू आपका आ जाता है आई एस इंटू आई, और आई एस इक्वल टू हम लिख सकते हैं फाई बाई आई, पर यूनिट करंट जो भी डिफ्लेक्शन होगा उसकी करंट सेंसिटिविटी बताएगी, कितना हाउ मच इट सेंसिटिव टू द करंट, जितने ज़्यादा होगा पर यूनिट पर एम्पियर करंट पे, जितने ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उसकी उतनी करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, मीन्स उतने ज़्यादा वो करंट डिटेक्ट कर सकता है या बता सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंस है किसकी, करंट सेंसिटिविटी की। अभी इसकी करंट सेंसिटिविटी की यूनिट आप निकाल लो, डिफ्लेक्शन को हम लिख सकते हैं डिवीजन में या रेडियन में, क्योंकि एंगुलर अपॉन एम्पियर, एम्पियर करंट, डिवीजन पर एम्पियर और रेडियन पर एम्पियर को हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी की यूनिट, राइट। तो ये करंट सेंसिटिविटी हो गया, सिमिलरली हम इसमें टर्म यूज करते हैं फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट में करंट सेंसिटिविटी का आपको क्या होता है, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो वो आपका फिगर ऑफ मेरिट हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसमें वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन इक्वल टू आई आर, फाई बाई आई को हम बोल देते हैं आई एस, करंट सेंसिटिव बाई आर, तो ये भी रेशियो होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, आई मीन्स आई एस करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस से इसकी। अब इसकी यूनिट रेडियन पर वोल्टेज लिख सकते हैं या डिवीजन पर वोल्टेज, डिवीजन पर वोल्ट और रेडियन पर वोल्ट इसकी यूनिट होती है। तो ये हो गया कंप्लीट आपका मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। अब इस चैप्टर में एक और टॉपिक बचा है, जो कि कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर एंड एज अ एमीटर, जो कि हम लोग